हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आ गया आपके सामने। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि आज हम लोग रिफ्रैक्शन से रिलेटेड बात करेंगे। बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है और ये आप कई बार आप देखते भी होंगे, ऑब्जर्व भी करते होंगे, जो कि सबसे कॉमन आपने एक्सपेरिमेंटल लोअर क्लास में भी किया होगा, जिसमें आप एक ट्रांसपेरेंट बीकर लेते हैं और उसमें पानी भरते हैं और उसमें पेंसिल डालते हैं, तो जैसे ही आप डालेंगे आपको क्या पता चलेगा कि पेंसिल हल्की सी क्रैक सी है, टूटी हुई है और वो शिफ्ट हो जाती है अपनी नॉर्मल लेंथ से। ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने लोअर क्लास में किया भी होगा और ये रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को क्या करता है, बताता है। और दूसरा भी मैंने, मुझे याद है कि ऐसा भी एक्सपेरिमेंट होता है कि आप एक कॉइन लेते हैं और उसको पानी में डाल देते हैं, है ना, तो आप ये देखते हैं कि कॉइन की जो हाइट है वो जो है वो आपको ऊपर दिखने लग जाती है, यानी कि जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ द कॉइन है वो आपको नीचे ना होके बल्कि कहाँ दिखाई देती है, ऊपर दिखाई देती है। तो ये फिनोमेना भी आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट के रूप में ऑब्जर्व किया होगा। डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिफ्रैक्शन के फिनोमेना हैं जो कि आप लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं। चलिए थोड़ा सा रिफ्रैक्शन को समझते हैं क्या होता है। फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, बेटा लाइट की वे बेंड करती है ना, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए। मीडियम मतलब जैसे कि हमने मान लीजिए एयर, लाइट एयर में ट्रैवल कर रही है तो बेटा एयर एक मीडियम हो गया, लाइट वाटर में ट्रैवल कर रही है तो वाटर एक मीडियम हो गया, लाइट ग्लास में ट्रैवल कर रही है तो ग्लास एक मीडियम हो गया। तो जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट रे बेंड कर जाती है, ठीक है, यानी कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो बेंड कर जाएगी और उसी बेंडिंग के फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो इट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और यही मैंने आपको अभी बताया है। चलिए इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं, बड़ा अच्छा रहेगा कि अगर इसको हम डायग्राम वाइज समझेंगे। और ये हमने एक क्या किया, प्लेन बना लिया। प्लेन मतलब बेटा एक सरफेस हो गया, है ना, और हमने इसको नाम भी दे दिया, लेट अस से एक्स वाई प्लेन कह दिया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके इस तरफ दूसरा मीडियम हो गया जिसको हम मीडियम वन कहेंगे, ठीक है, और इधर नेक्स्ट मीडियम हो गया जिसको हम मीडियम टू कहेंगे, है ना बेटा, दोनों अलग अलग मीडियम हो गए। जैसे कि मान लो इसको एयर में हमने मान लिया और इसको वाटर में मान लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम इस प्लेन यानी कि इस सरफेस के जो मीडियम को सेपरेट कर रहा है ना, तो इसको हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो लिख भी देते हैं ताकि आपको याद भी रहे कि ये क्या है टर्म, तो रिफ्रैक्टिंग है ना, और ये हो गया सरफेस, यानी कि वो सरफेस जहां पे मीडियम चेंज हो रहा है, इसको कई बार मीडियम की बाउंड्री भी कहते हैं, है ना। तो इसके हम क्या करेंगे, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर एक बनाएंगे। तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर ये हमने लाइन खींच दी, ये देखिए परपेंडिकुलर लाइन खींच दी हमने, और इस लाइन को हम नॉर्मल कहेंगे, है ना। जैसे कि बेटा रिफ्लेक्शन में भी आपने देखा था कि हम लोगों ने नॉर्मल बनाया था, है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, उसके परपेंडिकुलर जो लाइन हो गई उसको नॉर्मल कहेंगे, बिल्कुल एक जैसी चीज हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक लाइट रे लेंगे और ये लाइट रे को हम मीडियम वन में चलाएंगे, तो ये लाइट रे हो गई और ये हमने मीडियम वन में चलाया, ठीक, और इसको हमने
ये एरो नाम दे दिया, यानी कि इसको हमने कहा क्या, इंसिडेंट लाइट कह दिया। तो इसको हम थोड़ा सा पीले कलर से लिख देंगे ताकि आपको दिखाई दे। तो इंसिडेंट रे कह दिया, यानी कि वो रे जो कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे आ रही है और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है, बेटा इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस ही कहेंगे ना, तो इसको हम आई कहेंगे, ठीक है। अब ये रे दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये इसका यूजुअल पाथ है, जिसको हम आगे डॉटेड से बना देंगे, है ना। तो जब हम इसको डॉटेड से बनाएंगे तो इसका मतलब ये रे जो रे आ रही है, ये एक्चुअल में ये इस पाथ को फॉलो करती, ठीक है। यानी कि ये रे सीधे ऐसे जाती, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि यहां पे जब ये मीडियम आ गया तो ये इस पाथ से ना जाके पाथ को चेंज कर जाती है, बेंड कर जाती है। तो ये रे अब ऐसे ना जाके ये बेंड कर गई, है ना। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये हम इसको यहां से मिटा देते हैं और दोबारा बना लेते हैं। ये पॉइंट हो गया, ये देखिए ऐसे बेंड कर गई लाइट रे, है ना। तो ये जो हुआ इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। अपने यूजुअल पाथ से ना जाके रे बेंड कर गई, इसी फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, और यही फिनोमिना हम स्टडी करेंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम आपको और डिटेल में इसके बारे में बताते चलेंगे। और ये जो एंगल हो गया इसको आर कहते हैं। तो बेटा आर क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। वंस अगेन, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ मेजर करते हैं, जैसे बेटा रिफ्लेक्शन में करते थे ना, कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल मेजर करते थे, वैसे ही नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिंग एंगल मेजर करेंगे। तो ये जो रे हो गई इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे, है ना। अब रिफ्रैक्शन हो गया तो इसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे, ठीक। तो ये बातें मोटा मोटी आपको समझ में आ गई कि क्या हो रहा है फिनोमिना। तो अब हम कुछ चीजें लिख देंगे। तो एंगल आई ये नॉर्मल के साथ मेजर होगा बेटा, जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है। तो इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, ठीक। और एंगल आर ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल हो गया, तो इसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये दो चीजें हैं जो कि हमको फाइंड आउट करनी होंगी या गिवन होंगी, तो उसको हम रिलेशनशिप के रूप में देखेंगे। चलिए ये तो मोटा मोटी बात हो गई, आगे बात करते हैं और क्या क्या चीजें रिफ्रैक्शन में हमको मिलती हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो आगे समझने से पहले कुछ टर्म्स समझते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और नेक्स्ट स्लाइड पे हम नया टर्म सीखेंगे, है ना। तो ये पहले तो हमने लाइन बना ली, ठीक है, और अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसको एक्चुअल में ये यहां पे हम लिख देते हैं, इसको एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से डिनोट करते हैं, क्या होता है ये आइए देखते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। बेटा हमने आपको बताया था कि एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड लगभग सेम मानते हैं, है ना। वैसे तो वैक्यूम में ज्यादा होती है, एयर में आती थोड़ी सी कम होती है, लेकिन उसको हम नेग्लिजिबल मान के सेम मान लेते हैं। तो इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड या वैक्यूम
विद रिस्पेक्ट टू या टू स्पीड ऑफ लाइट, है ना, इन मीडियम। यानी कि जैसे कि अगर आप देखें एयर से ग्लास में जा रही है, तो एयर में उसकी स्पीड क्या होगी और ग्लास में इसकी स्पीड क्या होगी, इसी रेशियो को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, तो जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। ये बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट, है ना, इन किसमें, एयर या वैक्यूम में, अपॉन क्या हो गया, ये हम ये लगा देते ज्यादा बेटर रहेगा, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना। अब एयर में जो लाइट की स्पीड है बेटा, उसको सी से डिनोट करते हैं, और मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसको वी से डिनोट करेंगे। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा उसको हम सी और वी का रेशियो कह सकते हैं। लाइट की स्पीड एयर में और उस मीडियम में, इन दोनों का रेशियो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है और बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, है ना। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमने समझ लिया, अब जो मेन चीज है उसको समझना है, इसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही तो हमें मेन चीज समझनी है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। इसको बेटा म्यू से डिनोट करेंगे, म्यू, बिल्ली वाला म्यू, ठीक, तो म्यू से डिनोट करेंगे। और ये हमारे पास ये ऐसे लाइन खींच दी, ठीक है। चलो ये देखते हैं क्या होता है। तो हम ऐसे लिखते हैं जैसे हमने लिखा वन म्यू टू। देखो बेटा वन ऊपर है और म्यू फिर टू, इसको हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे तो ये बराबर होगा, देखो ध्यान रखना, जो नीचे वाला है इसको हम N2 कहेंगे और जो ऊपर वाला है उसको हम N1 कहेंगे। तो इसको हम बोलते क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्या बोला मैंने, जो मैंने बोला वही हम लिख देंगे, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कौन सा, मीडियम टू सेकेंड मीडियम, डब्ल्यू आर टी मतलब विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। उल्टा लिखते हैं बेटा, ध्यान रखना, यही तो चीज है जानने की, क्योंकि कई बार आप लोग ऐसी चीजों पे गलतियां कर जाते हैं। तो बेटा एक चीज का बहुत ध्यान रखना, वन म्यू टू का मतलब एन टू अपॉन एन वन, इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। एन टू मतलब सेकेंड मीडियम, एन वन मतलब फर्स्ट मीडियम। तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। और इसको लिखने का तरीका ये हो गया। चलो अब इसको देखते हैं, तो वन म्यू टू हमने बोला था ना एन टू, तो बेटा एन टू की जगह हम लिख देंगे सी अपॉन वी टू, मतलब एन तो सी अपॉन वी होता है। तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम, यही होगा। और एन वन की जगह क्या लिखेंगे, सी अपॉन वी वन लिखेंगे, है ना, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि एन टू मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड इन सेकेंड मीडियम, और एन वन क्या हो गया, एयर की स्पीड, लाइट की स्पीड एयर में और स्पीड किस में, फर्स्ट मीडियम में। ये रेशियो समझ में आ गया, इससे हम क्या निकाल लेंगे, वन म्यू टू, और ये V1 ऊपर चला गया तो इसको हमें V1 अपॉन V2 लिख देंगे। बोलो बेटा, है ना, C से C तो कैंसिल हो गया,
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया कि वन वी ओ टू बराबर वी वन अपॉन वी टू, यानी कि फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी और सेकंड मीडियम में वेलोसिटी लाइट की, उसका रेशियो यही होगा वन म्यू टू, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, चलो ये बातें हो गई। अब हम और नेक्स्ट पेज पे और चल के इसकी एनालिसिस करते हैं और देखते हैं क्या है बेटा। नेक्स्ट पेज पे अब हम चलेंगे। तो ये अब हमने लाइन खींच दी नेक्स्ट पेज पे, और अब जो पीछे हमने डिराइव किया था उसको अब हम लिख देंगे। हमने क्या निकाला था बेटा, वन म्यू टू बराबर वी वन अपॉन वी टू निकाला था। बोलो बेटा, अब आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम दो चीजों पे डिपेंड करेगी। जैसे कि सपोज कर लो कि वी अगर लाइट की स्पीड है तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी लाइट की, और वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी लाइट की। बेटा ये आप लोगों ने लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट लाइट की स्पीड होती है, और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो बेटा वेव की फ्रीक्वेंसी होती है और वेव की वेवलेंथ होती है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा हमारे पास, देगा स्पीड ऑफ लाइट, जिसको वी से डिनोट करेंगे। तो अगर वी वन की बात करें, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, ये बराबर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को एक्चुअल में ये ऐसे डिनोट करते हैं बेटा, इसको कहते हैं न्यू। क्या कहते हैं? न्यू, न्यू, न्यू नहीं, न्यू ना वाला। ठीक है, पीछे ये देखिए, यही तो डिफरेंस है। इसको प्रोनाउंस करते म्यू, एम वाला म्यू, और इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, न्यू, एन वाला न्यू। ठीक है, इनटू वेवलेंथ, तो वेवलेंथ लैम्डा वन कर दिया। ऐसे ही वी टू बराबर, इसको इस कलर में ना लिखें, इसको भी इसी कलर में लिख देते हैं। अरे हाँ चलो कोई बात नहीं, ये वी वन हो गया, ये वी टू हो गया। तो ये बराबर फ्रीक्वेंसी न्यू इंटू वेवलेंथ लैम्डा टू। बेटा होता क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, वेलोसिटी चेंज कर जाती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, लेकिन वेवलेंथ भी क्या कर जाएगी, चेंज कर जाएगी। तो इसी बात को हम यहां लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। व्हेन लाइट है ना ट्रेवल्स कहां से, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक, देन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लाइट की फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। ध्यान रखिए, लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती है, वह क्या चेंज करता है, वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज करेगी। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज, बट क्या चेंज करेगा, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट ये चेंज करेगी। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस। ठीक है बेटा, तो अगर सपोज कर लो कि अगर हमें दोबारा से वन म्यू टू लिखना होगा, तो वन म्यू टू बराबर वी वन अपॉन वी टू बराबर न्यू है ना। इसको देखो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है बेटा, इसको थोड़ा सा हम और ट्विस्ट कर दें ताकि आपको फर्क नजर आए थे, ये न्यू ऐसे करके, ये देखिए ना फर्क आ गया ना।
और नीचे भी ऐसे ही न्यू कर दिया और लैम्डा वन और नीचे लैम्डा टू कर दिया, है ना। तो फ्रीक्वेंसी तो सेम है, तो ये ऊपर और नीचे खत्म खुटा कर देंगे। तो ये बराबर एक्चुअल में क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, लैम्डा वन और लैम्डा टू का रेशियो। तो वन म्यू टू बराबर वी वन अपॉन वी टू बराबर लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। ये रिलेशनशिप आ गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम का रेशियो, और वही होगा वेवलेंथ का रेशियो हो गया। तो एक बार फिर से दोबारा से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वन म्यू टू मतलब सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, जो कि एन टू और एन वन का रेशियो होता है। एन टू बराबर सी अपॉन वी टू, एन वन बराबर सी अपॉन वी वन, इससे आ गया वन म्यू टू बराबर वी वन और वी टू का रेशियो, जो कि फाइनली हमने उस रेशियो को लैम्डा वन और लैम्डा टू के टर्म्स में लिख दिया। बेटा क्लियर हो गया। आइए और मजेदार बातें करते हैं और नई नई चीजों को समझते हैं। ये पहले तो एक लाइन खींच देंगे, ठीक है जी, और आगे की बात करते हैं। अब आप ये देखिए, सबसे पहले हमने वन म्यू टू निकाला, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो ये बराबर एन टू बाई एन वन, यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो, जो कि वी वन अपॉन वी टू होगा, यानी कि उल्टा होगा। तो जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिखेंगे तो एन टू अपॉन एन वन लिखेंगे, लेकिन जब वेलोसिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो बेटा वी वन अपॉन वी टू लिखेंगे, और जब वेवलेंथ के टर्म्स में लिखेंगे तो भी लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू लिखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, यही तो सारी चीज़ें हैं जो कि कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। तो बेटा कन्फ्यूज मत होइएगा, है ना, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, अगर वन म्यू टू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ये है, तो टू म्यू वन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। अब ये हो गया ना, तो अब ये फॉर्मूले बताइए, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो एन वन अपॉन एन टू हो गया, और ये हो जाएगा वी टू अपॉन वी वन, और ये हो जाएगा लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन, उल्टा हो जाएगा, पूरा रेसिप्रोकल आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, कुछ नहीं किया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या आएगा, वन म्यू टू इंटू टू म्यू वन, मल्टीप्लाई कर दिया, ये बीच में डॉट लगा दिया, मल्टीप्लीकेशन साइन अच्छा नहीं लगता, बीच में डॉट मत आ जाएगा। तो ये बराबर वन म्यू टू को एन टू और एन वन का रेशियो, टू म्यू वन को एन वन और एन टू का रेशियो। तो क्या दिखाई दे रहा है, ये और ये कट्टम कुट्टा, ये और ये भी कट्टम कुट्टा, तो ये बराबर वन के हो गया। इसका मतलब वन म्यू टू इंटू टू म्यू वन इज इक्वल टू वन, यानी कि वन म्यू टू बराबर वन अपॉन टू म्यू वन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि अगर सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में गिवन है तो आप फर्स्ट का सेकंड के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, और इस फॉर्मूले से, ठीक है। चलिए, ये तो बात कुछ हो गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेटा, छोटा सा क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन लिखते हैं, इफ ए म्यू जी, जी मतलब ग्लास, ए मतलब एयर, तो ए म्यू जी गिवन है 3/2, ठीक है, एंड ए म्यू डब्लू, डब्लू मतलब वाटर, ए मतलब एयर, तो ये गिवन है 4/3, ठीक है। देन फाइंड, है ना,
पहला पार्ट क्या निकालेंगे? जी म्यू ए, दूसरा डब्लू म्यू ए, तीसरा जी म्यू डब्लू, चौथा डब्लू म्यू जी। वाह 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 वाह। अब तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये सवाल तो बड़ा मुश्किल लग रहा है और इसको कैसे करेंगे। बेटा हम कराएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी देखो बड़े आराम से आप सीखोगे। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। चलिए सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट पार्ट, जी म्यू ए मतलब एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में, यही कहेंगे। तो ये बराबर वन अपॉन क्या हो जाएगा, ए म्यू जी, यानी कि ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में। बोलो बेटा यही फॉर्मूला हो गया ना, रेसिप्रोकल हो गया इसका। तो ये अब आपको ए म्यू जी तो गिवन है, कितना है 3/2, तो 1/3/2 यानी कि 2/3 हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा खूबसूरत तरीके से लिखेंगे और ये ऐसे लिखेंगे 2/3। बिल्कुल क्लियर है, मुश्किल है क्या? नहीं ना, बहुत इजी है। अब ये भी तो आप निकाल लोगे, मैं पक्का जानता हूं कि आप लोग निकाल चुके होगे अब तक। मैं इससे पहले कि निकालूं, आप लोग पेन कॉपी लेके तुरंत निकाल लोगे। अभी देखिएगा आप लोग कैसे निकाल लेते हो, मुझसे पहले ही निकालोगे। और ये देखिए, और डब्लू म्यू ए तो ये बराबर किसके हो गया, 1/aμw। बोलो बेटा उल्टा हो गया ना इसका रेसिप्रोकल। ये देखिए एयर का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये बराबर वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। तो ये बराबर हमको गिवन है, ए डब्ल्यू डब्ल्यू गिवन है, ऊपर कितना गिवन है 4/3, तो 1/4/3 कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है ना। अच्छा कई बार बच्चे कहते हैं मुझसे, सर आप इतना धीमे धीमे क्यों समझाते हो, हमें तो समझ में आ जाता है। लेकिन बेटा यही तो चीज़ है कि आपको मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से और क्लियर कट एक बार में समझ में आ जाए, इसीलिए बड़ा तसल्ली से समझाता हूँ आपको कि आपको एक बार में चीज़ें समझ में आ जाए। जब एक बार चीज़ें समझ में आती हैं तो बच्चों का इंटरेस्ट बड़ा अच्छा लग जाता है, डेवलप कर जाता है और उनको साइंस पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, खासकर फिजिक्स। फिजिक्स बहुत ईजी है, बस रटने की कोशिश मत करिएगा। जिस दिन आपने फिजिक्स को रटने की कोशिश करी, फिजिक्स पटक देगी, बहुत बुरी तरीके से उठा के पटक देगी। आपको फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट समझना पड़ेगा। तो ए और बी निकल गया, अब बारी आती है सी की। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम ये लाइन खींच देंगे और देखेंगे क्या है हमारे पास सी पॉइंट, जी म्यू डब्लू, है ना। अब हमको सी निकालना है जो कि गिवन है। अरे रे रे रे, ये तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे। सी बराबर क्या निकालना है, जी म्यू डब्लू, यही है ना। देख लो, ये देखो जी म्यू डब्लू। अब आप बताइए क्या होगा, जी म्यू डब्लू यानी कि एन डब्लू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यही होगा। बोलो बेटा, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए म्यू डब्लू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, और इसको हम लिख सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा सा ये ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो अब हम थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे। चलिए इसको नीचे ले आते हैं, एन डब्ल्यू अपॉन एन जी, ठीक है। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे, तो एन डब्ल्यू अपॉन एन ए कर दिया, कोई दिक्कत है नहीं। और यही काम नीचे कर दिया, एन जी अपॉन एन ए कर दिया, कोई दिक्कत है नहीं। अब आप इसको देखिए, क्या हम इसको लिख सकते हैं ए म्यू डब्लू, लिख सकते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर
विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो एम यू डब्ल्यू लिखेंगे, और नीचे बताओ क्या लिखेंगे बेटा, जल्दी बताओ, अभी जल्दी बताओ, एम यू जी लिखेंगे, लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, आ गया। अब ये हमको गिवन है, ये भी गिवन है, पीछे गिवन है ना, देखो एम यू जी 3/2, एम यू डब्ल्यू 4/3 गिवन है, डाल दिया, तो एम यू डब्ल्यू 4/3, एम यू जी क्या था 3/2, बोलो बेटा, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला गया और ये से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा 4 × 2/3 × 3 8/9, वेरी गुड। तो हमने क्या निकाला, जी म्यू डब्ल्यू निकाला, जो कि किसके बराबर आ गया बताओ, 8/9 आ गया, आ गया ना मजा, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। आप लोग पता नहीं क्यों परेशान होते हो, मैं तो समझता हूँ कि ये तो चीज़ें बड़ी इजी इजी है, बस थोड़ा सा बेटा एक बार समझना, थोड़ा सा यार, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और बड़े आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए डी पार्ट क्या था, डब्ल्यू म्यू जी, वाह वाह वाह, तो अब यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यू म्यू जी, अब देखो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, देखो बिल्कुल टिक आ गई ना, तो 1/gμw यही होगा, डब्ल्यू म्यू जी यानी कि 1/gμw, जी म्यू डब्ल्यू अभी हमने निकाला था क्या है 8/9, तो ये हो जाएगा 1/8/9, जो कि क्या हो जाएगा 9/8, तो डब्ल्यू म्यू जी बराबर 9/8। ये हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चीजों को आज समझा है और बड़े क्लैरिटी से समझा है, क्या क्या चीजें आ गई। देखो बेटा शुरू से हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे पहले तो शुरू से देखेंगे, है ना, एक बार शुरू से समझ लेते हैं, रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को समझा, क्या है बेंडिंग ऑफ लाइट है, दूसरा उसका रे डायग्राम हमने समझा कैसे रिफ्रैक्शन होता है, फिर हमने टर्म्स सीखे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और मीडियम की स्पीड का रेशियो हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का रेशियो हो गया, और उसके बाद हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको म्यू समझा है, फिर से बता रहा हूं 1μ2 मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का, जो कि हमने यहां पे निकाल लिया, और उसके बाद वो फर्स्ट का वेलोसिटी और सेकेंड के वेलोसिटी के टर्म्स में निकाल लिया, बाद में वेवलेंथ के टर्म्स में निकाल लिया, और उसके बाद हमने रेसिप्रोकल देखा कि 1μ2 बराबर 1/2μ1 है। फिर हमने एक छोटा सा सवाल लिया जिसमें हमें ये सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, वो हमने कर लिया, ठीक है। चलिए ये आप उम्मीद करता हूं कि एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे, और एक बार प्रैक्टिस करिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, बिल्कुल क्लैरिटी रखिए, मजा आएगा। देखिए आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको और भी चीजें इंटरेस्टिंग नजर आने लग जाएंगी। चलिए आज के लिए तो इतना ही बहुत है, अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे फर्दर बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, हैव अ नाइस डे।